आज हमने एकदम आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक की सब्जी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक। पालक का दो बड़ा बंच लेके इसे साफ करके पानी से 3 बार धो के रखा है। इसे हम पहले गर्म पानी में डाल के ब्लांच कर लेंगे। 2 से 2.5 कप पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी बॉईल होने लगा है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून चीनी। चीनी डालने से पालक का कलर हरा रहेगा। पालक का कलर चेंज नहीं होता है, इसके लिए हमने चीनी डाली है। पालक डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पालक को बॉईल कर लेते हैं। पालक को हमें ज़्यादा तेज आंच पे बॉईल नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पालक को हमने बॉईल किया है और आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना सुंदर दिख रहा है। गैस ऑफ कर देंगे। एक स्ट्रेनर में इसे निकाल लेंगे। एक बाउल में मैंने बर्फ का ठंडा पानी ले लिया है। पालक हमने स्ट्रेनर में निकाला, इसे तुरंत ही बर्फ के पानी में डाल देना है। इस तरह से बर्फ के पानी में पालक को डाल देंगे तो इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगी और पालक का कलर हरा का हरा ही रहेगा। इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम वापस स्ट्रेनर में डाल के पालक का सारा पानी निकाल लेते हैं। बर्फ के पानी में से पालक को हमने निकाल लिया है। 1/4 हिस्सा पालक का इसे एकदम बारीक चॉप कर लेंगे और 3/4 कप हिस्सा है इसे मिक्सर जार में डाल के हम क्रश कर लेते हैं। इसकी पेस्ट बना लेंगे। पालक का 1/4 हिस्सा हमने बारीक चॉप कर लिया है और 3/4 हिस्सा जो पालक का था इसका हमने पेस्ट बना के रखा है। कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। आप चाहे तो बटर की जगह पे घी भी डाल सकते हैं। बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा को थोड़ा लाइट ब्राउन भून लेंगे। 6 से 7 कड़ी लहसुन को हमने बारीक चॉप किया है। इस तरह से थोड़ी मोटी लहसुन की कली इसे हमने चॉप किया है। आपके पास अगर छोटी वाली लहसुन की कली हो तो आप 10 से 12 ले लें। ये बारीक चॉप लहसुन डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के लहसुन को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है। 3 हरी मिर्ची को बारीक चॉप किया है। एक मीडियम प्याज बारीक चॉप, ये 1/2 कप जितना प्याज है। लगातार चला के प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। धीमी आंच पे कंटिन्यू चला के हमने इसे लाइट ब्राउन भून लिया है। 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के बेसन को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 पिंच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है। 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बेसन भी अच्छे से भून गया है। पालक हमने बारीक चॉप किया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पालक की पेस्ट डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1/3 कप पानी हमने मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, ये अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैंने 3/4 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून में थोड़ा कम है। पालक को हम धीमी आंच पे ही कुक करेंगे। 2 मिनट पालक को हमने कुक कर लिया है। 2 टेबलस्पून फ्रेश दही है, ये डाल देंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मलाई डालेंगे। इसके बदले में आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, गरम मसाला डालने के बाद हमने 1 मिनट इसे कुक कर लिया है। गैस ऑफ कर देंगे। सब्जी रेडी है। इसके ऊपर अभी हम एक बघार डालेंगे। सब्जी को हमने एक सर्विंग डिश में निकाल दिया है। अभी इसके लिए एक बघार करते हैं। 1 टेबलस्पून घी गरम करेंगे।
घी गरम हो गया है, एक चौथाई टीस्पून जीरा, चार से पांच लहसुन की मोटी कली को हमने स्लाइस करके ली है, ये डाल देंगे, दो सूखी लाल मिर्च, लहसुन को थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। लहसुन को हमने लाइट ब्राउन भून लिया है, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। एक टीस्पून तेल, पैन गर्म ही है तो तेल अंदर भून जाएगा, कुछ सेकंड के लिए इसे अंदर चलाते रहेंगे। सब्जी को हमने सर्विंग डिश में निकाल दिया है, इसके ऊपर ये बगार डाल देंगे। बगार को इस तरह से लाइटली हल्के हाथ से थोड़ा फैला लेंगे। लहसुनी पालक की सब्जी रेडी है, इसे आप रोटी पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।